अगर लोग कहेंगे कि लोकसभा में विकल्प कोई नया मिलना चाहिए, लोग तय करेंगे तो उसके पीछे हमारी ताकत है, हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के राज में कभी होती थी। ग्रामीण सड़कों की गलियों की स्थिति करीब करीब वही है जो पहले जमाने में होती थी। तो बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि अगर मैं नेताओं को और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूँ तो भरोसा रखिए आपको भी सलाह देकर जिताएंगे। और तो वो बता रहे हैं आपको, ये पूरे अभियान में हमने क्या कहा कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनके साथ पूरी अपनी बुद्धि शक्ति संसाधन व्यवस्था लगाएंगे ताकि उनका चुनाव हो, चुनकर वो आएंगे तभी तो सुधार होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने कहा लोकसभा का, तो मेरे भाई हमने पहले कहा है कि ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर है। हम 5 जिले में पैदल जब चले तो वहां MLC का चुनाव था, लोगों ने तय किया कि एक आदमी भैया ये बहुत अच्छे हैं, इनकी मदद की जाए। तो निर्दलीय लड़ा, हम लोगों ने मदद की, वो जीत कर आया। अगर लोग कहेंगे कि लोकसभा में विकल्प कोई नया मिलना चाहिए, लोग तय करेंगे तो उसके पीछे हमारी ताकत है। लेकिन हम उस दल के नेता नहीं है, हमने दल बनाया नहीं है, हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लोग यहाँ सिर्फ एक ही बात से परेशान है कि उनके पास विकल्प नहीं है, उनको चुनाव कैसे जीतना है इसकी समझ नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि हम आपके बीच से विकल्प बनाते हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके चुनाव जीतने में हम मदद करेंगे। आप खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था बनाइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर हम लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के राज में कभी होती थी। चाहे वो प्रधानमंत्री संपर्क योजना हो, मुख्यमंत्री संपर्क योजना हो, ग्रामीण कार्य का सड़क है या पंचायती राज का सड़क है, ग्रामीण सड़कों की गलियों की स्थिति करीब करीब वही है जो पहले जमाने में होती थी। इसके साथ साथ एक अंत में दो और बातें, जो नया उद्योग बिहार में शुरू हुआ है, एक है शराबबंदी से जुड़ा माफिया और बालू माफिया। बिहार में ये दोनों चीज आज से 5-7 बरस पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि दो उद्योग यहाँ जो एकदम फल फूल रहा है वो है शराब माफिया और बालू माफिया। बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की शराब और बालू की माध्यम से लूट हो रही है और इसमें लोग नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वही हाल बालू का है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जहां ताकत है वहां से बालू उठा रहा है, बेच रहा है और हजारों करोड़ रुपए का लोग चोरी कर रहे हैं। कोई सरकार की ओर से पिछले 75 साल में बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। उसकी वजह से बिहार में आज देश के सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। 60% लोग ऐसे हैं ग्रामीण बिहार में जिनके पास 1 इंच जमीन ही नहीं है। ये लाखों एकड़ भूदान में जमीन जो दान दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट में जमीन लिया गया और सारे समाजवाद के चर्चा और बात नारों के बाद भी 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। लेकिन उससे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जिन 40% लोगों के पास जमीन है, किसानों के पास, उनमें से 90%, मतलब 40 में करीब 35 लोगों के पास 2 बीघे से कम का मालिकाना हक है। जो यहाँ किसान है वो बहुत छोटा और मार्जिनल किसान है। बिहार में जो खेती हो रही है वो खेती कमाने वाली नहीं है, वो खाने वाली खेती है। कैश क्रॉप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप धान, ज्यादातर किसान यहाँ धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं ताकि उनका और उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। खेती का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि खेती करके कोई आपको आमदनी करना है, पैसा कमाना है।